सो हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉस्मोस। मैं हूं फरहान और वन प्लस ने अपना सबसे फ्लैगशिप मोबाइल वन प्लस 9 प्रो लॉन्च किया है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 48 आवर्स यूज करने के बाद। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट और सबसे मेजर इम्प्रूवमेंट इसके कैमरे में किया गया है। सो इसका कैमरा आपको हैसलब्लैड का कैमरा मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हैसलब्लैड कौन सी कंपनी है, सो मैं आपको बता दूं कि हैसलब्लैड ही वही कंपनी थी जिसने चांद पे सबसे पहली फोटोज ली थी। सो ये काफी पुरानी कंपनी है कैमरे के मामले में और ये वन ऑफ द टॉप नॉच है कैमरे की कंपनी में। और वन प्लस ने इससे कोलैबोरेशन करके अपने कैमरे का क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव किया इस बार। सो गाइस, अगर मैं कैमरे के स्पेक्स बताऊं तो इसके कैमरे में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा जिसमें आपको लेजर ऑटो फोकस मिलता है, OIS तो मिलता ही है। और उसके बाद आपको और जो एक्स्ट्रा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर का टेलीफोटो कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिला है जो काफी कंपनीज नहीं देती। और इसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिला है। तो वैसे कुछ कैमरा सैंपल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ आई हैं, मतलब क्रिस्प एंड क्लियर है, कॉन्ट्रास्ट भी सही है, इसकी HDR रेंज भी सही है काफ़ी, और ओवरऑल फोटोज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आई है। मतलब हैसलब्लैड ने बवाल मचा रखा है। और गाइस, अगर मैं बात करता हूँ उसके फ्रंट कैमरे की जो कि सेल्फी कैमरा होता है, तो इसमें सेल्फी कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2. अपर्चर जो कि काफी अच्छी फोटोज लेता है, मतलब फ्रंट से आपको काफी अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे इवन। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके बॉडी की, तो इसमें आपको मिलता है 6.7 इंच का डिस्प्ले और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 525 ppi का डेंसिटी मिलता है। और इसमें आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी मिल जाता है और इसमें ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है ऑप्टिकल वाला जो कि बहुत फास्ट काम करता है। और गाइस, इसके बैक में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है जो फ्रंट और बैक दोनों पे है, तो प्रोटेक्शन के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। और गाइस, अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी मिलता है। सो गाइस, इसको लेके आप कहीं भी स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, अंदर 30 मीटर के गहराई में जाके डुबकी लगा सकते हैं। सो इससे मोबाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और गाइस, जो डिस्प्ले की बात कर रहा था, इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। सो आपका जो डिस्प्ले है वो एकदम मक्खन की तरह चलने वाला है। सो अब यहां तक हम पहुंचे हैं, अगर तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है और ऑक्सीजन OS 11 भी है। सो दोनों 11-11 है। सो गाइस, कैमरे के बाद इसमें आपको मिला है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और स्नैपड्रैगन ऐसा वैसा स्नैपड्रैगन नहीं, स्नैपड्रैगन 888 और वो बेस्ड है 5 नैनोमीटर पे, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है एकदम धमाकेदार होगी। और अगर मैं GPU की बात करता हूँ, तो इसमें GPU जो है एड्रिनो का 660 है जो कि बहुत शानदार और बेमिसाल है। तो गाइस, बात कर ली हमने इसकी प्रोसेसर की, इसके कैमरे की, और अब बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ। सो इसमें आपको बैटरी मिलता है 4500 mAh की बैटरी और जिसमें आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, मतलब 1 to 100 ये आपको 29 मिनट में चार्ज कर देगा। और गाइस, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, मतलब वन प्लस वालों ने बताया कि 1 to 100, तो अगर 0 to 100 करते हैं तो वो एक्चुअली 32 मिनट्स आता है। और गाइस, दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, हमें अभी 21वीं सदी में। सो इसमें आपको 5G का भी सपोर्ट मिलता है जो कि अभी तक से इंडिया में नहीं आया बट जल्दी आने वाला है। सो अगर आप इसको लेते हैं तो एक ये फ्यूचर प्रूफ मोबाइल भी है। सो गाइस, बात कर ली हमने सारे स्पेक्स के बारे में, अब बढ़ते हैं कि आपके मोबाइल कितने ज्यादा ऑप्शन में मिलता है। सो आपको 3 कलर इसे मिलते हैं, एक मॉर्निंग मिस्ट, एक पाइन ग्रीन और एक स्टेलर ब्लैक। मेरे पास ये तीनों अवेलेबल नहीं है बट मैं आपको फोटोज दिखा दे रहा हहूँ। और इसमें आपको 2 वेरियंट मिल जाता है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज का जो कि 65,000 का है, और दूसरा वाला वेरिएंट जो है वो इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है जो कि 70,000 का है। पर एक और चीज जो इसमें काफी नई है वो इसमें ये है कि 50 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है, मतलब
वायरलेस चार्जिंग जो है अभी तक से 50 वॉट का नहीं आया है, मतलब वायरलेस चार्ज जब आप करते हो सो जो इंडक्शन से वायरलेस चार्जिंग होती है वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाती है। लाते हैं अपने लास्ट पार्ट के वीडियो में कि आपको इसको 65,000 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो 65,000 में अगर बताऊं तो काफी बेहतरीन आपको इसमें प्रोसेसर और कैमरा मिला है जो कि हैसलब्लैड का है, मतलब ये काफी ज्यादा सुपर कैमरा है। और इसमें आपको थोड़ा कर्व डिस्प्ले मिलता है तो वो इम्प्रूवमेंट आपकी इन्फिनिटी डिस्प्ले की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। सो काफ़ी बेहतरीन आपको यूज़र एक्सपीरियंस, आपको परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी मिलने वाली है। सो 65,000 में मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा भी आपके पास और ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आप OnePlus 9 लेते हो तो वो भी एक अच्छा वैल्यू टू मनी मोबाइल है और उसका प्राइस आपको 50,000 में पड़ जाता है, तो 50,000 में वो भी एक अच्छा ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब प्राइस का एक काफ़ी ज़्यादा 15,000 का गैप है। सो OnePlus 9 का प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा अपग्रेडेड है बट आपको माइन्यूट लेवल का फर्क पड़ने वाला है, मतलब अगर आप कंसिडर करते हो OnePlus 9 Pro को और OnePlus 9 को। सो यूज़र एक्सपीरियंस में आपको सिर्फ ऐप ओपनिंग टाइम में, मतलब एक ऐप जितनी देर में खुलता है उसका आपको बस फर्क पता चलेगा, बाकी आपको गेमिंग में और बाकी सब चीज़ों में नहीं पता चलने वाला है। सो 65,000 के अंदर ये एक अच्छा डील है बट इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वैल्यू टू मनी डील भी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो गाइस अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।